Hello friends, welcome to the lecture series of Ancient History by Brainy IAS. In this series, we are covering the sixth chapter of your book, next chapter of your book, that is the post-Vedic age. This post-Vedic age will be covered in the two lectures. Friends, the first part is, we are discussing now. In the first part, hum baat karenge economic changes ki, rise in heterodox sects, Mahajanpads and rise of Magad. Ab फ्रेंड्स हुआ ऐसा था कुछ कुछ कि लेटर वैदिक एज में हमारी पूरी सोसाइटी जो बदल गई थी एंड पीपल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर न्यू एवेन्यूज और यू कैन से न्यू प्लेसेस ऑफ वर्शिप. उसके अंडर क्या हुआ था कि लोग इधर उधर सोसाइटी में मूव करना शुरू कर गए थे. व्हेन पीपल स्टार्टेड मूविंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सर्चिंग सर्चिंग अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, तो उसमें जो हमारी मेन चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई उनको अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो हम उसको सबसे पहले कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू द इकोनॉमिक चेंजेस. इकोनॉमिक चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? फर्स्ट वन वाज़ द फैक्टर्स. फैक्टर्स में क्या था? फैक्टर्स में इफ आई टॉक अबाउट दिस फैक्टर्स, इन फैक्टर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट आयरन. आयरन डिस्कवर हो चुका था सोसाइटी में और जब आयरन डिस्कवर हो चुका तो आयरन की वजह से हम एग्रीकल्चर में इसको यूज करना शुरू कर गए. इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस हुआ और अगर प्रोडक्शन सरप्लस हुआ तो ट्रेड हुआ. ट्रेड की वजह से पैसे आए और पैसे आने की वजह से देर वॉज अ इकोनॉमिकल चेंज इन द सोसाइटी. और उसी के साथ हमें पैडी की भी प्रूफ मिलते हैं, पैडी कि पैडी कल्टीवेशन भी शुरू होगी, मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमारी शुरू होगी. सोसाइटी हमारी ग्रो करना शुरू कर गई जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा पार्ट जो था वो आगे चलना शुरू हुआ. सेकेंड थिंग वॉज राइज ऑफ मगध, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल चेंज हुआ. राइज ऑफ मगध क्या था? मगध वॉज अ महाजनपद. अमंग्स ऑल 16 महाजनपद मगध वॉज वन महाजनपद और वो जब राइज कर गई उसकी वजह से भी लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी चेंज हुई. नेक्स्ट इज फॉरेन रूलिंग ग्रुप्स. फॉरेन रूलिंग ग्रुप्स में भी अगर हम बात करें तो वी कैन मेक अ मेंशन ऑफ यू कैन से रोमन एम्पायर और फॉरेन ग्रुप्स जो इंडिया में इन्वेड किए. इंडो ग्रीक्स हो गए, पार्थियंस हो गए, शाकास हो गए, इन सारी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पे उन्होंने चेंज लाना शुरू कर दिया. इन केस ऑफ सोशल इम्प्लीकेशंस फ्रेंड्स, सोशल इम्प्लीकेशंस के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी? सोशल इम्प्लीकेशंस में हमारे पास रिच पीजेंट्स हो गए. रिच पीजेंट्स वर नोन एज गाहपतीज. जो रिच पीजेंट हमारे बने दोज वर नोन एज द गाहपतीज. और गाहपतीज के बाद फर्दर ये कुछ और कंसोलिडेट होने लग गए एंड देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड्स. गिल्ड जब बनना हो गए शुरू सोसाइटी में तो गिल्ड्स बनने की वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स? गिल्ड्स बनने की वजह से ये हुआ कि सोसाइटी जो थी वो आपकी थोड़ी 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 एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में आने लगी और वो भी किसके? ट्रेडर्स के. और लेटर स्टेजेस में हम जाके ये भी देखेंगे कि ये जितने भी हमारे गिल्ड्स थे और जितने भी हमारे ये लोग थे जो इसको प्रोसेस कर रहे थे, ये सारे के सारे लोग इस हद तक सोसाइटी में आ गए कि उन्होंने ये चीज़ तक करना शुरू कर दी कि मैरिज किससे होगी एंड अदर सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ द सोसाइटी. तो इकोनॉमिक चेंजेस फैक्टर्स आयरन की वजह से, राइज ऑफ मगध की वजह से, रोम की वजह से, सोशल इम्प्लीकेशंस की वजह से गाहपति ट्रेडर्स बहुत रिच हो गए, उन्होंने सोसाइटी में अपना ज़्यादा इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया. आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है NBPW, नर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर. ये पॉटरी का एक फॉर्म है जो हमें काफ़ी साइट्स में मिली है. तो ये जो है दिस वाज द मेजर रेवोल्यूशन इन द पोस्ट वैदिक एज. उसके बाद हमें रेड पॉटरी भी मिली है. एक ये पॉटरी, दूसरी हमें मिली है रेड पॉटरी. रेड पॉटरी हमें कहाँ पे मिली है? रेड पॉटरी हमें मिली है ऑफ कुशन पीरियड. कुशन क्या थे? फॉरेन इन्वेडिंग ग्रुप्स थे जिसको हम बाद में पढ़ेंगे. तो रेड पॉटरी भी हमें इस कंटेक्स्ट में हमें मिली है. अपार्ट फ्रॉम इट वी हैड रोमन पॉटरी ऑल्सो. जो रोमन पॉटरी है, रोमन पॉटरी को हम कहते हैं एरेंटाइन, ARENTIN, एरेंटाइन. सो हमें एरेंटाइन पॉटरी भी मिली है. अपार्ट फ्रॉम इट वी ऑल्सो हैव पंच मार्क्ड कॉइन्स, PUNCH, पंच मार्क्ड कॉइन्स. नाउ व्हाट आर दिस पंच मार्क्ड कॉइन्स? देखो, हम लेटर स्टेजेस में गुप्ता एज में जाके हम देखते हैं कि हमें कुछ कुछ ऐसे कॉइन्स मिले हैं जिनके ऊपर राजा की फोटो बनी हुई है. और जब कभी इन राजा की फोटोज पे बनी होती है तो हिस्टोरियंस के लिए बहुत इजी रह जाता है वो समझने कि ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी क्या थी.
लेकिन यहां पे हमें सिर्फ पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं। पंच मार्क कॉइन्स हो सकते हैं इस टाइप से किसी भी अंडर प्रेशर वो किसी चीज से बनाए गए हो, तो उसका इंप्रेशन एज सच हमें एज अ हिस्टोरियन हमें वो नहीं देता। उसके बाद आ गया आपका आयरन टूल्स, रिंग्ड वेल्स एंड बर्नड ब्रिक्स। आयरन टूल्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बर्नड ब्रिक्स हमें मॉडर्न पीरियड के टाइम में मिली थी एंड रिंग्ड वेल्स भी हमें मिले हैं। रिंग्ड वेल्स कुआं, कुएं के आसपास आपकी सीढ़ियां, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले मिल चुकी थी इन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, विच ऑल्सो लेड हिस्टोरियंस टू थिंक दैट देर वर सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस इन द पोस्ट वैदिक एज। इकोनॉमिक चेंजेस विच ईदर या फिर वो उसका रीजन बन सकती है या फिर वो इसका प्रूफ बन सकती है कि इकोनॉमिक चेंजेस हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, राइज ऑफ हेटरोडॉक्स सेक्ट। अब अगर मैं बात करता हूं फ्रेंड्स राइज ऑफ हेटरोडॉक्स सेक्ट, इसको मैं चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट इज अजीविकास, अजीविकास, अजीविकास के बाद अगला पार्ट जो इसमें आ जाता है दैट इज लोकायतास। थर्ड पार्ट इसमें आ जाता है जैनिज्म एंड लास्ट पार्ट बुद्धिज्म। अब अजीविकास की मैं बात करता हूं तो अजीविकास के अंदर द फाउंडर ऑफ द अजीविकास वॉज मखनी गोशाला। मखनी गोशाला वॉज द फाउंडर एंड द मेन फिलोसफी ऑफ अजीविकास वॉज प्री डिटर्मिनेशन। मतलब ये चीजें पहले से प्री डिटर्मिंड है जो कुछ भी लाइफ में हो रही है, कि अगर किसी के साथ कुछ होना है वो पहले से प्री डिटर्मिंड है एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग। कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से थोड़ा सा अलग आ रहा है। लोकायतास दे बिलीव कि कोई अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन एक चीज होती है कि आपकी सेंसरी प्रिसेप्शन पे लाइफ चलती है। Why we are discussing these two, Ajivikas and Lokayatas? Because in the later stages in the modern empire, we will see कि some of the caves were donated to the sect of Ajivika. Ajivika के जो sect के follower थे उन लोगों के लिए कुछ caves donate की गई थी, तो उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो we must be clear कि Ajivikas was a part of rise of heterodox sect. कि heterodox sect जब बना था, मतलब जब लोग main प्रवाह से eventually they try to move from the main flow of the society, they try to move to another flow, that was the part of the Ajivikas. And sensory perception, इसका कोई भी एक individual नहीं था जिसने इसको किया था। इसके साथ associated people are in this are Lokayatas, Brihaspati was the one, Ajita was the second and Charvak was the third. ये तीन इंडिविजुअल्स हैं, बृहस्पति, चर्वक एंड सॉरी अजीता एंड चर्वक, जो कि लोकायतास के साथ एसोसिएटेड हैं। दीज वर द टू सेक्स, बट इन्होंने सोसाइटी पे इतना इफेक्ट नहीं डाला, धीरे धीरे करते करते ये सोसाइटी से थोड़े मार्जिनलाइज हो जाते हैं। दो बाकी के दो जो हैं द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दीज लेफ्ट अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन टू द सोसाइटी। इन्होंने सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। अब इन्होंने जो इम्पैक्ट डाला, अगर हम विल स्टार्ट ऑफ विद जैनिज्म, बुद्धिज्म वी शैल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास। जैनिज्म के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जैनिज्म में दे टॉक्ड अबाउट वन थिंग दैट इज त्रिरत्ना, त्रिरत्ना। नाउ व्हाट आर दिस त्रिरत्नास? त्रिरत्नास इज द राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। त्रिरत्ना, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। राइट नॉलेज कैवल्य, मतलब ये जो आपके कैवल्य प्राप्त है जिन तीर्थंकराज को, उनको हम उनके ऊपर हमें वो लोग होते हैं राइट नॉलेज वाले, उनके ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए और उनके एक्शंस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तीन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। नाउ व्हाट आर दीज थ्री तीर्थंकराज? तीर्थंकराज इन जैनिज्म मीन्स दोज पीपल, देखो हर एक रिलीजन में दे हैव टॉक्ड अबाउट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वेदर यू टेक अबाउट हिंदुइज्म, वेदर यू टॉक अबाउट जैनिज्म, वेदर यू टॉक अबाउट बुद्धिज्म, तीनों रिलीजन्स में इन्होंने बात किस चीज़ के ऊपर की थी? इन्होंने बात की थी कि आपकी जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है वो साइकिल आपकी खत्म हो जानी चाहिए, और वो साइकिल खत्म करने के लिए दे ऑल सजेस्टेड देयर ओन वेज।
यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे दे सेड दैट देयर इज वन थिंग दैट इज ओनली वन वे यू कैन फ्री फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दैट इज द दोज इंडिविजुअल्स दोज हु पोजेस द राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, दोज आर नोन एज तीर्थंकराज एंड दे आर फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. अभी तीर्थंकराज जो थे इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये तीर्थंकराज बनते कैसे हैं, ये तीर्थंकराज बनते हैं राइट नॉलेज से. राइट नॉलेज मतलब आपको सही नॉलेज होना चाहिए. अब इन तीर्थंकराज के अंदर अगर हम देखते हैं इन द फेमस यू कैन से बुक्स और अदर थिंग्स देयर हैज बीन मेंशन दैट जैनिज्म वाज स्टार्टेड बाय महावीरा, और यू कैन से महावीरा वाज आल्सो वन ऑफ द तीर्थंकराज. बट फ्रेंड्स, महावीरा वाज नॉट अ फाउंडर ऑफ द जैनिज्म. द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज यू कैन से इट ही वाज 24th तीर्थंकराज. फर्स्ट वन वाज ऋषभदेवा, 23rd वाज पार्श्वनाथ एंड 24th वाज महावीर. सो महावीर वाज अ प्रोपाउंडर ऑफ जैनिज्म, उसने जैनिज्म को वो आगे लेके गया. ऐसे नहीं किया उसने कि उसने जैनिज्म को फाउंड किया, नहीं, महावीर वाज अ 24th तीर्थंकराज. और अगर महावीर के बारे में मैं बात करता हूं कि महावीर क्या क्या था, तो ही वॉज ज्ञानत्रिक, फ्रॉम द ज्ञानत्रिक, एंड ज्ञानत्रिक में से भी लिच्छवी महाजनपदा से वो बिलोंग करता था. तो ये था महावीर. महावीर के साथ कुछ चीजें एसोसिएटेड हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विसेज, बट छोटे मोटे एग्जाम्स में दे माइट आस्क और दे हैव आस्क्ड बट नॉट नाउ. इट वॉज अ वे बैक व्हेन दे आस्क्ड दीज क्वेश्चंस, लाइक फादर सिद्धार्थ, मदर त्रिशला देवी, वाइफ यशोदा. ये तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द महावीर. महावीर के बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ द प्लेसेस विच माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. द फर्स्ट इज कुंदग्राम विच इज इन बिहार. बिहार में क्यों इंपॉर्टेंट है, बर्थ प्लेस ऑफ महावीर. त्रिभिक ग्राम, जहां पे उसने रिजुपलिका रिवर के किनारे अपनी नॉलेज गेन की थी. एंड थर्ड वन इज पावापुरी. पावापुरी में राजगीर के पास इसकी डेथ हुई थी. आई जस्ट वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई सेल्फ, त्रिभिक ग्राम में इसने अपनी नॉलेज गेन की थी. सो ये तीन प्लेसेस कुंदग्राम, त्रिभिक ग्राम एंड पावापुरी, ये तीन चीजें, तीन प्लेसेस, दिस थ्री प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द महावीर. इसके बाद महावीर के अगर मैं इसके अंदर इसकी बात करूँ कि जैनिज्म के अंदर इसकी मेन फीचर्स क्या है, जैनिज्म में दे नेवर डिक्लाइंड द पार्ट दैट गॉड इज नॉट देयर. वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच इन्होंने अपनाई. हम इन्होंने कहा कि हम ये नहीं मना करते कि भगवान नहीं है, भगवान है लेकिन उनसे नीचे है जो हमारे तीर्थंकराज हैं. तो इनके जो तीर्थंकराज थे फ्रेंड्स वो सबसे ऊपर रहे, और तीर्थंकराज के बाद बाकी के भगवान को मानते. तो इन्होंने ना ही सोसाइटी को अगेंस्ट किया, ना ही सोसाइटी का फेवर किया, रादर देन दे ओनली प्रोपाउंडेड देयर वे कि ठीक है, ओके, इफ देयर इज अ गॉड वी एक्सेप्ट इट, बट ऑन द टॉप इज आर तीर्थंकराज. सो तीर्थंकराज फिर बने कैसे, बात ये आ गई. तीर्थंकराज बनने के लिए इन्होंने कहा कि बॉडी, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सोल, ये सोल है, और सोल के ऊपर जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे सोल के ऊपर कुछ इंप्योरिटीज लगेंगी. ये इंप्योरिटीज रिजल्ट है किस चीज का, कर्मफलास का. ये जो इंप्योरिटीज हैं ये रिजल्ट है कर्मफलास का, और इन कर्मफलास को हम कहते हैं एज पुदगलास, पुदगला, ठीक है. तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आत्मा एक शरीर में होगी उसके ऊपर पुदगला डिपॉजिट होते जाएंगे, और जैसे जैसे पुदगला बनते गए, व्हेंस एवर द आत्मा विल लीव वन इंडिविजुअल इट विल बी एंटरिंग द अनदर इंडिविजुअल, एंड एज इट एंटर्स इनटू द अनदर इंडिविजुअल इन दैट इंडिविजुअल्स बॉडी इट विल अगेन एक्यूमुलेट मोर पुदगलास. सो इन ऑर्डर टू हैव द ऑप्टिमम नॉलेज, और इन ऑर्डर टू हैव यू कैन से मेक योर सोल फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टॉप दिस पुदगलास. इन पुदगला से सोल को अलग करना है. अब इन पुदगला से सोल्स को आप अलग कैसे कर सकते हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि आप और पुदगलास इसके ऊपर जमा ना होने दें, आप इसके ऊपर और पुदगलास और ना डिपॉजिट होने दें. अब और डिपॉजिट होने से आप कैसे रुक सकते हो, उन्होंने कहा फॉलो आर फाइव वोस. फाइव वोस क्या थे, फर्स्ट वो वॉज अहिंसा, अहिंसा. सेकेंड
अस्त्या, थर्ड अप्रिग्रह, अप्री अहिंसा, अस्त्या, अप्रिग्रह, सत्या, एंड ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। अब फ्रेंड्स, इन पांच वोज का मतलब क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस, कि आपको कभी भी नॉन वायलेंस नहीं करना है। सेकेंड थिंग इज अस्त्या एंड अप्रिग्रह। अस्त्या मीन्स नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। अप्रिग्रह, अप्रिग्रह इज एसोसिएटेड विद नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, कि आपने वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करनी है। सत्या, सच बोलना है। ब्रह्मचर्य, आपको एक ब्रह्मचर्य जीवन जीना है। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो, देन द पुदगलास वोंट बी एक्यूमुलेटेड फर्दर। अब ये तो हो गया कि और पुदगलास इसके ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दोज पुदगलास जो पहले से इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड है? जो पहले से इसके ऊपर पुदगलास एक्यूमुलेटेड है, ड्यू टू उनको हटाने के लिए दे सजेस्टेड वन थिंग, दैट इज द काया क्लेश। नाउ व्हाट इज दिस काया क्लेश? काया मींस बॉडी, क्लेश मींस टॉर्चर। तो जितना आप अपनी बॉडी को टॉर्चर करोगे, उतने यहां से आपके पुदगलास कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। और इसी सीक्वेंस में अगर हम देखते हैं, तो इन द मौर्यन पीरियड देर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फाउंडर था मौर्यन एम्पायर का, ही परफॉर्म्ड सलेखना। सलेखना क्या है? अ फॉर्म ऑफ कायाक्लेश। उसने कायाक्लेश परफॉर्म किया, सलेखना, दैट इज स्टार्व अंटिल डेथ, कि जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक भूखे रहो। सो ही स्टार्व्ड अंटिल डेथ अंडर द, यू कैन से, गाइडेंस ऑफ भद्रबाहु इन द साउथ। तो वो साउथ में चला गया और साउथ में जाके उसने सलेखना परफॉर्म किया। क्योंकि बिकॉज देयर वाज अ फेमाइन इन हिज सिटी, तो इसके पूरे एरिया में फेमाइन था और इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, एंड ही परफॉर्म कायाक्लेशा। सो जैनिज्म टॉक्ड अबाउट कायाक्लेशा एंड फॉलोइंग फाइव वोज। इन पांच वोज को अगर आप करते हो और इनको करते हो, देन इट इज इंपॉर्टेंट। Another important point of this Jainism is its councils. All in all, there are three councils of Jainism. First council of Jainism was in Pataliputra. The first council जो हुई थी वो हुई थी Pataliputra में. The second council was in Mathura and third council was in Vallabhi. Mathura and third council was in Vallabhi. नाउ पाटलिपुत्रा, मथुरा एंड वल्लभी। पाटलिपुत्रा किस लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन इट टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म वॉज देयर। नाउ दो सेक्ट्स कौन से थे जैनिज्म के? वन वॉज श्वेतांबर, अनदर वन वॉज दिगंबर। श्वेतांबर वर दोज पीपल दोज हु यूज टू वियर वाइट क्लोथ्स, और दे आर नोन एज वाइट क्लैड्स, वेयर एज दिगंबर आर दोज पीपल वेयर नो क्लोथ्स, जो कोई कपड़े नहीं पहनते थे। एंड दे बिलीव्ड कि नेचर को हमें कुछ ऐसा फेस करना चाहिए जैसा नेचर खुद है, वी मस्ट नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फर्दर कवरिंग। तो उन लोगों को हमने कहना शुरू कर दिया एज अ दिगंबर एंड श्वेतांबर। सो पाटलिपुत्र इज इंपॉर्टेंट, वल्लभी इज इंपॉर्टेंट। वाई वल्लभी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन केस ऑफ वल्लभी, जो इनका जैनिज्म का लिटरेचर था उसको फाइनल रूप दिया गया वल्लभी में। तो वल्लभी में जो लिटरेचर को फाइनल रूप दिया गया, उस फाइनल रूप में वल्लभी में देर आर लिटरेचर के अगर मैं बात करता हूं, तो दे हैव पूर्वाज, दे हैव अंगाज, दे हैव उपंगाज, दे हैव सूत्रास एंड दे हैव चूर्णीज। तो ये इनमें से अगर मैं बात करता हूं, पूर्वाज, अंगाज, उपंगाज, सूत्रास एंड चूर्णीज, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है रहता है क्लास सूत्रास। Why Sutra is important? Because amongst all Sutra, there is one Sutra whose name is Bhagavati Sutra. Bhagavati Sutra. ये Bhagavati Sutra क्यों important है? क्योंकि इसमें हमें mention मिलता है 16 महाजनपद का. So we have two religious texts. One is Bhagavati Sutra, one is Anguttara. Anguttara is of Buddhism, जहां से हमें ये चीज मिलती है. So we conclude here that in Jainism, the main important points which are to be memorized is councils of Jainism, the three councils of Jainism, literature,
त्रिरत्ना, पुद्गलास एंड तीर्थंकरास। सो ये चीजें थी जिसकी वजह से हमारा फर्दर गया। ऑन द अदर साइड अगर हम देखते हैं दूसरी साइड क्या हो रहा है, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के लिए वील बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर फ्रेंड्स। सो बुद्धिज्म के लिए जस्ट रिमेंबर ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी टू वन थिंग, दैट इज द कन्फ्यूशियस। सो वील बी हैविंग अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ कन्फ्यूशियस एंड बुद्धिज्म इन माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।